मैं उस्मानिया हॉस्पिटल विजिट करा था। परिस्थिति तो बहुत ही खतरनाक है उस्मानिया हॉस्पिटल की, और अभी जो टेम्पररी जो सुप्रिटेंडेंट है कोई पांडू नायक, वो भी एकदम लापरवाह इंसान है वहाँ पर। और आज की बारिश का हाल देख सकते हैं कि उस्मानिया जो ओल्ड है हॉस्पिटल, गेट के अंदर से, उस्मानिया के अंदर से जैसे एक नाले का पानी जिस प्रकार से बहता है, उस प्रकार से पानी बह रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, आखिर आप कब तक अपने फार्म हाउस में, अपने घर में चुप कर बैठोगे? आखिर आप अपने घर में हो, फार्म हाउस में हो, या कोई ना कोई हॉस्पिटल में आपको भी पॉजिटिव आया, वहाँ पर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो? ये मैं नहीं, तेलंगाना की जनता का सवाल है, ये तेलंगाना की जनता पूछ रही है आपसे। मुख्यमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर को क्या कहे, क्योंकि तेलंगाना के जितने भी मिनिस्टर है वो तो लबर स्टैम्प है, बिना आपके वो कुछ नहीं कर सकते, और आप किसी को करने भी नहीं देते, क्योंकि परिवारवाद ही चलना है ये आपकी स्कीम है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको सीरियसली कहूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की ओल्ड बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, क्योंकि हेरिटेज है। उस हेरिटेज बिल्डिंग में कई सौ पेशेंट वहाँ पर एडमिट है, और कोरोना पॉजिटिव जिसको है वो आइसोलेशन सेंटर भी आपने बनाया। अगर इस पानी के भाव से अगर बिल्डिंग गिरती है, अगर कोई भी पेशेंट की मृत्यु होती है, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हाल ही में डॉक्टर खुद हेलमेट लगाकर उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हुए दिखे गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को डर है कि कब बिल्डिंग गिर सकती है, उनको विश्वास नहीं है। आज की ये परिस्थिति है मुख्यमंत्री जी, अगर कोई भी एक पेशेंट को भी थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होगी, तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे, और अगर एक भी पेशेंट मरेगा तो आपके ऊपर मर्डर केस बुक करवाएंगे हम लोग, ये बात आप ध्यान रखना।